हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस पेपर में मैं आपको बताने जा रहा हूं सेलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में, जो है यूनिट नंबर सेकेंड। और ये पेपर है दिसंबर 2017 के। पिछले मैंने तीन पेपर आपको बता दिए हैं। चलते हैं जल्दी से सेक्शन बी पे और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सेक्शन बी में इस यूनिट से जो है क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। वैसे 25 वाला जो है यूनिट नंबर थर्ड का है, पर यहाँ पे पहले दिया हुआ है। इन अ सिग्नलिंग इवेंट, सिग्नलिंग इवेंट है, आपको पता है ये सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग यूनिट का है, पर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 वहाँ से आया है। सिग्नलिंग इवेंट हो रहा है, कह रहा है बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड। कोई लाइगेंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, GPCR से। सेल सिग्नलिंग से आया हुआ क्वेश्चन है दैट इवेंचुअली एक्टिवेट फास्फोलाइपेट सी बीटा। वो इवेंचुअली क्या करता है, फास्फोलाइपेट सी बीटा को एक्टिवेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द फंक्शन ऑफ फास्फोलाइपेट सी। चार ऑप्शन है हमारे पास, पूछ रहा है इनमें से कौन सा फास्फो सी बीटा का फंक्शन रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे बी में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फास्फोलाइपेज सी क्या कन्वर्ट क्या करता है। फास्फोलाइपेज सी फर्स्ट ऑप्शन में कन्वर्ट करता है पी आई में कन्वर्ट करता है, या पी आई फोर फॉस्फेट टू पी आई फोर फाइव पी टू में कन्वर्ट करता है, या फोर्थ वाला या थर्ड वाला। तो आप जब देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, फास्फो लाइपेज सी बीटा जो कन्वर्ट करता है, ये फास्फो ये पी आई फोर फाइव पी टू को डाई एसिल ग्लिसरॉल और आई पी थ्री में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर ये सही होगा। सेकेंड देखते हैं, सेलेक्ट अ सेलुलर बॉडी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉडीज। चार चीज़ें हैं यहाँ पे जो कह रहा है, सेलुलर बॉडी तो हैं पर वो न्यूक्लियर बॉडीज़ नहीं है, मींस दे मे बी साइटोसोलिक। ओके, तो यहाँ पे चार चीज़ें हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियस बॉडी में आता है। कैज सेकेंड जो होता है ये काजल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये रीजन्स होती हैं न्यूक्लियस में जहाँ पे प्रोटीन और आरएनए का इन्वॉल्व होता है, मतलब इन्वॉल्व रहती हैं मैसेंजर आरएनए के प्रोसेसिंग में। तो ये वो रीजन होता है, कैजल बॉडीज़ बोलते हैं। फिर आता है इंटरक्रोमैटिन ग्रैन्यूल क्लस्टर्स। इंटरक्रोमैटिन ग्रैन्यूल क्लस्टर का होता है, ये क्लस्टर्स होते हैं न्यूक्लियस में मैमिलियन सेल में, जो ये इनरिच्ड होते हैं प्री मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए। ओके, फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो पी बॉडीज जो होते हैं, ये जो होता है एक्चुअली साइटोसोलिक लोकेशन है, ये इसको प्रोसेसिंग बॉडीज़ बोलते हैं, पी बॉडीज़। ये क्या करता है, साइटोसॉल में ये मैसेंजर आरएनए का डीके करता है। तो यही पी बॉडीज़ इसका पार्ट नहीं है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है तो आप इसका आंसर दे देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमैटिन इज़ नॉट ट्रू। क्रोमैटिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। DNA winds approximately 1.65 times around a nucleosome. अगर आपने न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, पहली बात तो बता दूं, ये 26 नंबर वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये कहाँ से आया था, ये सिलेबस में आप जाएंगे तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो हमारा सेकेंड है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर वो चीज़ होती है कि नहीं होती है। 26 वाला वहाँ से आया था। 27 वाला देखते हैं, ये डीएनए के क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, तो ये कहाँ से आया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम पार्ट से आया है। तो डीएनए जो होता है एक्चुअल में वाइंड किए रहता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है 1.6 टाइम अराउंड करता है। S2A, S2AB बाइंड टू बोथ द एंट्री एंड एग्जिट एंड्स ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोन्स इन्फ्लुएंस क्रोमैटिन कॉम्पैक्शन, यस, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जब होता है स्टोन का आप पढ़ेंगे, वो इन्फ्लुएंस करता है क्रोमैटिन के कॉम्पैक्शन पे। तो थर्ड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही था। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोजोम, यस, देयर आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स टू दैट आर एसोसिएटेड विद माइटोटिक क्रोमोजोम्स। तो ऑप्शन इसका कौन सा गलत होगा, दूसरा गलत होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसके लिए मुझे दूसरा
ओपन करना पड़ेगा। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रिलेटेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ विच 1, 2, 3, 4 पोलोलाइक काइनेजेस हैं। ठीक है, ये फैमिलीज होती हैं पांच मेंबर के, पोलोलाइक काइनेज 1 to 5। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे माइटोटिक एंट्री में, माइटोटिक एग्जिट में, स्पिंडल फॉर्मेशन में, साइटो स्केलेटन में और मियोसिस में। अरोरा काइनेज जो होता है ये सेरेनिथ्रिन प्रोटीन काइनेज है जो कि सेंट्रोसोम मैचुरेशन और सेपरेशन में पार्ट लेता है, तो फाइनली स्पिंडल असेंबली और उसकी स्टेबिलिटी को ये इफेक्ट करता है। साइक्लिन B1 और CDK1 दोनों जो होता है मेटाफेज और एनाफेज के ट्रांजिशन में कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पर पूछ रहा है डिग्रेडेशन किसका होता है। CDK तो एक काइनेज है, तो डिग्रेडेशन किसका होगा, साइक्लिन B1 का। तो B1 ये ऑप्शन सही है। और ये भी कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले पार्ट से। चलते हैं 29th वाले पे। ये तो लगता है जीन एक्सप्रेशन का है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है ये दूसरा यूनिट का। चलते हैं जल्दी से अब हम अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यहाँ से। ओके, तो चलते हैं 76 पे। ये हुआ अ पॉलीमर इज सिंथेसाइज फ्रॉम एन अकायरल एमिनो एसिड। आप ध्यान रखना है यहाँ पे पॉलीमर अकायरल एमिनो एसिड का बना हुआ है, जो हमारे प्रोटीन्स होती हैं केवल ग्लाइसिन को छोड़ के सभी में कायरलिटी होती है। तो जो भी पॉलीमर बना है वो अकायरल एमिनो एसिड का बना हुआ है। कह रहा है उसका कन्फर्मेशन हमें पता करना है, कौन से टेक्निक को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्निक्स का यूज़ हुआ है। चार टेक्निक्स दी हुई हैं, फाइबर डिफ्रैक्शन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डाइकोरिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ध्यान दीजिएगा कि फाइबर डिफ्रैक्शन और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ये मॉलिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है आपको। तो इन दोनों से हम जो भी जिसमें कायरलिटी नहीं होती है उनका हम कन्फर्मेशन पता कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ए और बी ऑप्शन, थर्ड वाला सही होगा। सर्कुलर डाइकोरिज्म का हम प्रोटीन का कन्फर्मेशन करते हैं, पर प्रोटीन क्या होता है वो कायरलिटी होती है उसमें, तो वो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसमें। और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री तो हीट के ऊपर डिपेंड रहता है, ये अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको टेक्निक्स जानना होगा। फिर चलते हैं 77 वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है स्फिंगोलिपिड्स एस दिया है और कोलेस्ट्रॉल सी। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड बायलेयर में, एग्रीगेट करते हैं मल्टीपल टिनी राफ्ट में, जिसे लिपिड राफ्ट बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज वन। कंसीडरिंग दैट साइज ऑफ लिपिड राफ्ट डिपेंड, ये कहता है साइज जो होता है लिपिड राफ्ट का ये डिपेंड करता है एफिनिटी ऑफ एस टू सी फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड इन द मेम्ब्रेन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस प्रॉपर्टी। तो कौन सा करेगा, फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि एस सी स्फिंगोमायलिन क्या था, कोलेस्ट्रॉल, दोनों क्या करते हैं, हैव स्लाइटली हायर एफिनिटी देन अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम विन देयर फ्री फॉर्म्स। जब फ्री फॉर्म में रहते हैं तो डायनेमिक होते हैं, और इनका एफिनिटी जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल से जो अदर मेम्ब्रेन के होते हैं उनसे हायर होता है, तो दोनों इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। मैंने एक बार फिर से नहीं बताया, 76 वाला टेक्निक से आ गया था। फिर 77 वाला ये कहाँ से आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछा गया था ये। ओके, यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन से। ओके, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 78 पे। 78 वाला क्वेश्चन क्या है, टू अंडरस्टैंड माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी। एक माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी को समझने के लिए फ्रेशली प्यूरिफाइड मोटर प्रोटीन बडिंग ईस्ट में रिसर्चर एक सेट करता है माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड ग्लाइडिंग एसे इन सच एसे वेयर माइक्रोट्यूब्यूल आर फ्लोरोसेंटली टैग एट इट्स प्लस एंड। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, माइनस एंड होता है, प्लस एंड होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लोरोसेंट जो है टैग किया गया प्लस एंड पे। रिसर्चर ऑब्जर्व दैट दिस मोटर प्रोटीन मूव द माइक्रोट्यूब्यूल। ध्यान दीजिएगा, ये मोटर प्रोटीन मूव कर रही है माइक्रोट्यूब्यूल का इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्लस एंड। ये मोटर प्रोटीन
इस माइक्रोटिब्यूल को इसके प्लस एंड की ओर ही इसको मूव करा रही है। तो इसका मतलब क्या है, मोटर प्रोटीन खुद कहाँ पे जा रहा, माइनस एंड पे। और जब आप देखेंगे कि न्यूली आइडेंटिफाइड प्रोटीन क्या हो सकता है, पूछा है, डायनिन जो होता है वो प्लस एंड डायरेक्टेड होता है, मतलब मोटर प्रोटीन चलेगा प्लस एंड की तरफ, लेकिन यहाँ पे माइनस एंड की तरफ ये मूव कर रहा। मायोसिन अलग चीज़ है, माइक्रोटिब्यूल पे डिपेंडेंट इसका मूवमेंट नहीं होता। डायनिन जो होता है ये माइनस इन डायरेक्टेड प्रोटीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल पे जो चलता है। मायोसिन जो होता है ये एक्टिन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन है। काइनेसिन वन जो है ये प्लस इन डायरेक्टेड है। तो आइदर डायनिन और लास्ट वाले का सवाल नहीं होता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका। ठीक है, ये आया था कहाँ से, एक्चुअली सेल डिवीजन और सेल साइकिल से तो नहीं आया था, साइटोस्केलेटन वाले पार्ट से आया था, ये फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है, बी से आया था ये। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 78। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पे। गिवन बिलो आर ऑर्गेनेज, यहाँ पे ऑर्गेनेज दिए हुए हैं और उसके प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो क्या होगा? बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनेज, तो आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स यहाँ पे मैनोसिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर होता है। फिर कॉप सेकेंड वेसल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है ईआर टू गॉल्गी। फिर जैसे सिस गॉल्गी से कॉफ फर्स्ट वेसिकल बड करते हैं, ट्रांस गॉल्गी से क्या होता है, प्रोटीन एग्रीगेट फॉर सेग्रीगेशन। इंडोसाइटिक वेसिकल बोल रहा है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स होते हैं। तो ये आसान था 79 का, जब आप देखते हैं ऑप्शन इसका सही होता है फर्स्ट वाला, सारे आपको इससे मैच करेंगे। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 80 पे। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं यार, सर्विलेंस मेकनिज़म है जो SOS कहते हैं, दैट इंश्योर द ऑर्डर एंड फिजिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ द सेल साइकिल। गिवन बिलो आर द सम ऑफ द चेक पॉइंट्स प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट प्रोटीन दी हुई है, जैसे MAT2, TEM1, ATM एंड ATR, उनका फंक्शन पूछ रहा है क्या करते हैं। फर्स्टली आपको बता दूं, ये सवाल CSIR ने गलत पूछा था, क्योंकि यहाँ पे C का जो ATM और ATR का फंक्शन है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। TEM1 क्या है, एक GTPase है, इसका फंक्शन मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला। और MAT2 जो होता है वो प्रिवेंशन ऑफ CDC20 एक्टिवेशन के लिए सही है। A का जो होगा वो सेकेंड होगा, यहाँ पे सही है। TEM1 का मुझे इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है, और ATM और ATR का तो फंक्शन इसमें दिया नहीं है। ATM क्या होता है, ये सब एपिकल काइनेजेज हैं, ओके, जो सर्विलेंस में काम करते हैं। ATR जो होता है, ATR IP से इंटरेक्ट करके ये CHK1 को रोकता है, और ATM जो होता है MRN से एक्टिवेट करके CHK2 को एक्टिवेट करता है, हाँ बोथ एक्टिवेट करते हैं। तो ये इनका इनहिबिशन का काम नहीं है, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेपरेस एक्शन, इनहिबिशन ऑफ P1-2। तो यह सवाल गलत था, इसलिए यहाँ पे जिसने मैंने आप पहले ही बताया, अगर आपको गलत सवाल श्योर मिलता है, अगर आपको लगता है ये गलत सवाल है, तो उसे करके आइए, CSIR आपको उसमें बेनिफिट देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 आया, पहले ही आपको बता दूं ये ट्रांसपोजन से आया, ट्रांसपोजन आपको मिलेगा इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम में, ठीक है। तो यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रांसपोजन, आपने एक नया ट्रांसपोजन डिस्कवर्ड किया जिसे TNX बोलते हैं, एंड वुड लाइक टू आइडेंटिफाई इट्स मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, और आप जानना चाहोगे कि इसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। अ हेटरोडुप्लेक्स ऑफ लेते हैं इस सीक्वेंस का, मेड विद अ फ्यू मिसमैच, इसमें कुछ मिसमैच कराए गए और इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया में डाले गए। द न्यूली ट्रांसपोज जीनोम लोकाई या सीक्वेंस, फिर जो न्यूली ट्रांसपोज जीनोम सीक्वेंस गया, मतलब जहाँ पे ट्रांसपोजिशन हुआ, उस सीक्वेंस को आपने लेके सीक्वेंसिंग कराया। यू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोजन मैच एग्जैक्टली विद वन ऑफ इट्स पेरेंट स्ट्रैंड, आपने क्या देखा कि उस जो नया ट्रांसपोजन जहाँ पे सिस साइड पे हुआ, उसका जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली एक पेरेंट स्ट्रैंड से मैच करता है। तो ये क्या बताता है, TNX ट्रांसपोज बाय कंजर्वेटिव ट्रांसपोजन मेकेजम, नहीं कंजर्वेटिव में साथ दोनों पेरेंट स्ट्रैंड फिर मिलता है। TNX ट्रांसपोज यूजिंग साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन मेकेनिज्म,
ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। सिंगल स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स आर स्टैंड इंसर्टेड, ऐसा नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट है, TNX ट्रांसपोज बाय रिप्लिकेटिव मैकेनिज्म, उसका रिप्लिकेशन होगा और वो दूसरी जगह पे जाके बाइंड करेगा। तो ये आप अगर ये वाला आप सेक्शन पढ़े होंगे ट्रांसपोजोन्स के बारे में तो आप इसे कर लेंगे। होप कि आप क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जब आप को कोई क्वेश्चंस बताता नहीं है तब आप प्रॉब्लम में रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होगा। अब यहाँ पे चलते हैं टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग, एक नया आइडेंटिफाई किया गया ड्रग उसका इम्पैक्ट देखना है। कहाँ पे इस इम्पैक्ट देखना है, कल्चर ऑफ सब कॉन्फ्लुएंट हीलर सेल्स पे, ये शायद कैंसरस सेल्स होती हैं। रिसर्चर एनालाइज द फैक्ट, एक टेक्निक है फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग प्रोफाइल, उसका देखता है ऑफ अनट्रीटेड वर्सेस ट्रीटेड ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है, आइए ग्राफ देखते हैं ट्रीटेड, और ये नंबर ऑफ सेल्स एक तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस ड्रग है, तो यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे 2N का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, नंबर ऑफ सेल्स में 4N का कम था। जब हम ड्रग डाल देते हैं तो 2N का अमाउंट ख़त्म हो जाता है, केवल 4N अमाउंट रहता है। कह रहा है ये प्रोफाइल देख के आप ये बताइए कि ये ड्रग किस फेज को इनहिबिट करता है। G1 को अगर इनहिबिट करता है तो क्या होगा, 2N का नंबर रहना चाहिए था ज़्यादा, एस फेज को करता अगर फिर भी 2N का नंबर रहना चाहिए था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेल जब डिवाइड होता तो आराम से उसका जो होता है क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता। यहाँ पे एक्चुअली थर्ड वाले पे ये इनहिबिट कर रहा है G2M फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये M फेज को इनहिबिट करता है या डिवीज़न को रोक रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा DNA अलग होना था, जो सेपरेट होना था कॉपी नंबर, वो सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम हमारा 4N हो जा रहा है और वही ज़्यादा है 4N का अमाउंट, तो थर्ड वाला होगा और सारे ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं 83, फॉलोइंग टेबल लिस्ट द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ DNA, कह रहा है ये टेबल में दो मेजर फॉर्म्स DNA के दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DNA डुप्लेक्स में A और B में, एक A फॉर्म है B फॉर्म है, इसके कन्फर्मेशंस दिए गए हैं बेस के। एक्चुअली A फॉर्म और B फॉर्म में जो शुगर होता है या बेस होता है उसके कन्फर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे CNNT और शुगर पकरिंग आपने पढ़ा होगा उसमें, एक्सो इंडो, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूछ रहा है किसका कैरेक्टर है, इसका ऑप्शन अलग पेज में दिया हुआ है, तो कौन कौन सा होगा वो आपको मैच कराना है। ए फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि ये होगा सिन कन्फर्मेशन होता है जब आप पढ़ेंगे ऑफ द बेस टू शुगर, ठीक है। और नहीं, ये बी में होता है, बी में क्या होता है, एंटी कन्फर्मेशन ऑफ द बेस टू शुगर होता है, और फिर ये नैरो मेजर ग्रुप होता है, और फिफ्थ वाइड माइनर ग्रुप होता है। बी फॉर्म जो हमारा टिपिकल DNA होता है उसमें क्या होता है, एंटी कन्फर्मेशन ऑफ द बेस टू शुगर होता है, और वाइड मेजर ग्रुप्स होते हैं और नैरो माइनर ग्रुप होते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान था, इसके ऑप्शन में अगले पेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये था, ठीक है, DNA डुप्लेक्सेस। इसके बाद का 84 नंबर का क्वेश्चन दूसरे यूनिट से है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। ये था पेपर आपका दिसंबर 2017 का, अब आपसे मिलेंगे जून 2018 के पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।